हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में सूजी के कुरकुरे पापड़। ये सीजन पापड़ बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। आप इस मौसम में अलग अलग तरह के पापड़ बना सकते हैं। पानी वाले सूजी के पापड़ बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी लगभग 250 ग्राम लिया है, 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, धनिया की पत्ती और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। मिक्सर ग्राइंडर में सूजी को महीन पीस लेंगे। इधर एक बोल लेते हैं, उसमें सूजी को निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, सूजी को एकदम महीन पीस लेना है। अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। धनिया की पत्ती को फाइन चॉप करके डालेंगे। एक कप मैंने पानी लिया है, अब इसे धीरे धीरे सूजी में डालते जाएंगे। इसे चम्मच से अच्छे से मिलाते रहेंगे। इसमें अभी थोड़ा पानी हम और ऐड करेंगे क्योंकि बैटर हमारा अभी गाढ़ा है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने टिफिन के ढक्कन लिए हैं पापड़ बनाने के लिए। आप कोई भी स्टील के ढक्कन यूज कर सकते हैं। स्पून की हेल्प से मैं चेक कर रही हूँ कि बैटर हमारा बहुत गाढ़ा तो नहीं है। सूजी के बैटर को ढक्कन में डालेंगे और बराबर से फैलाते जाएंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बैटर को बहुत पतला रखना, नहीं तो पापड़ हमारा मोटा हो जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। पापड़ को स्टीम करने के लिए मैंने पैन में पानी चढ़ा दिया है और उस पर स्टील का छन्ना रख दिया है। आपके पास अगर इडली स्टीमर हो तो आप पापड़ उसमें भी बना सकते हैं। पानी हमारा स्टीम होकर तैयार है। अब पापड़ के बैटर को छन्ने पर रखते जाएंगे और 10-12 सेकंड के लिए स्टीम होने देंगे। देखिए व्यूअर्स, पापड़ हमारा अच्छे से स्टीम हो गया। अब इसे पानी में डालते हैं। पापड़ को हम नोकदार चाकू से पानी में ही निकालेंगे। अगर हम पापड़ को बाहर निकालेंगे तो पापड़ हमारा फट जाएगा। फ्रेंड्स, पापड़ को देखिए कितने ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। इसी प्रोसेस से सारे पापड़ बनाते जाएंगे और पानी में डालकर निकालते जाएंगे।
अब एक प्लास्टिक शीट पर सारे पापड़ को रखेंगे। व्यूअर्स इसे पंखे या धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाएंगे तो एक दिन में ही पापड़ सूख जाएंगे, पंखे में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए व्यूअर्स, पापड़ हमारे अच्छे से सूख चुके हैं। चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। न सोडा न बेकिंग पाउडर, लेकिन पापड़ हमारा कितना फूल के अच्छा क्रिस्पी तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल मम्मी का जायका को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।